या 10 लाख बच्चे बहुत अच्छे नंबर पा गए तो क्या सरकार उन सबको नौकरी देगी? और 50 लाख कोई छोटा संख्या नहीं है। 17-18 फरवरी को हुई यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा के बाद सोशल मीडिया पर बड़े आरोप लग रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स पेपर के संबंधित प्रश्नों का दावा करते हुए लिखते हैं कि पेपर लीक हो गया है। वहीं यूपी भर्ती बोर्ड की तरफ से इस मामले को लेकर कहा गया है कि देखा गया है कि कुछ व्यक्तिगत हैंडल अभ्यर्थियों को भर्ती संबंधित सूचना प्रदान कर रहे हैं या फिर उनकी ओर से प्रश्न उठा रहे हैं। ना तो अभ्यर्थियों को और ना ही बोर्ड को किसी मध्यस्थ की आवश्यकता है। बोर्ड के आधिकारिक हैंडल तथा वेबसाइट द्वारा प्रदत्त सूचनाओं पर ही विश्वास करें। इस मामले पर राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी सवाल उठाए। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि लगभग 60 लाख नौजवानों ने परीक्षा लिखी है और जो खबर मिल रही है कि पेपर लीक हुआ है, मान लीजिए उसमें से 1 लाख बच्चे 100% नंबर पा गए तो क्या सरकार उन्हें नौकरी देगी? उससे महत्वपूर्ण ये है कि लगभग 60 लाख नौजवानों ने परीक्षा लिखी है और जो खबरें मिल रही हैं और जो सुनने को आ रहा है सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से, जो चर्चा में है कि पेपर लीक हुआ है, मान लीजिए उसमें 1 लाख बच्चे 100% नंबर पा गए या 10 लाख बच्चे बहुत अच्छे नंबर पा गए तो क्या सरकार उन सबको नौकरी देगी? और 50 लाख कोई छोटा संख्या नहीं है, उनसे 5 परिवार के सदस्य जुड़े हैं। तो लोग जो लोग कह रहे हैं कि उनकी सरकार में ये सुरक्षित और बहुत ही सुरक्षा कड़ी में परीक्षा हुई है, तो क्या 2.5 करोड़ परिवारों के साथ धोखा नहीं है? और यही 2.5 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंके। आपको बता दें कि इससे पहले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया था कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 के सभी सत्रों का पेपर लीक होने की खबर सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट के साथ फैल रही है, जिससे लाखों बेरोजगार युवाओं में आक्रोश का माहौल है। पिछली अन्य परीक्षाओं की तरह इस बार भी रोजगार देने के नाम पर पेपर लीक होने की जो आशंका थी वो सच होकर समाचारों के रूप में सामने आ रही है। भाजपा सरकार बेरोजगारों के सब्र का इम्तिहान न ले। विपरीत परिस्थितियों में जिस प्रकार युवा किसी तरह परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन भाजपा राज में उनके साथ हमेशा मजाक सा ही होता है। लगता है भाजपाइयों ने परीक्षा को पैसा कमाने का कारोबार बनाकर रख दिया है। तभी तो ऐसे राजनीतिक प्रशय प्राप्त लोगों के खिलाफ कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं होती है और हर परीक्षा में यही खेला खेला जाता है। भाजपा ने युवक युवतियों का विश्वास खो दिया है। इस लोकसभा चुनाव में युवा भाजपा को पदमुक्त कर देंगे। युवा ये कहता है आज का नहीं चाहिए भाजपा। आपको बता दें कि यूपी पुलिस के सिपाही पद पर कुल 60,244 पदों के लिए 48,17,441 अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए अप्लाई किया था। इनमें 15,48,969 महिला अभ्यर्थी शामिल है और 6 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी अन्य राज्यों से है। 2 दिन में 4 पाली में परीक्षा हो रही है और हर शिफ्ट में 12,04,360 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। प्रदेश के सभी 75 जिलों में 2,385 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।